हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये बेबी इनर लेके आई हूँ। आज हम ये बेबी इनर बनाएंगे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। मैंने इसको बनाया है और मैंने इसको बुनने के लिए ये 3 प्लाई वाली जो वूल होती है, ये जिसके अंदर ये 3 तार होते हैं, मैंने उनसे इसको बनाया है। और ये 9 नंबर की मैंने यहाँ पे निडल ली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इसको बुनना चाहते हैं इस 3 प्लाई की वूल में, तो आप इसके अंदर यहाँ पे 60 फंदे डालिएगा। मैंने यहाँ पे 60 फंदे डाले हैं और ऊपर मैंने इसके कोई भी फंदा नहीं बढ़ा है, 60 फंदों से ही मैंने इसको बुनना शुरू किया है। अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, नॉर्मल वूल होती है जैसे वर्धमान की बेबी वूल होती है, रैबिट की होती है, गंगा की होती है, उस वूल से अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे आप 5 फंदे ज्यादा डाल लीजिएगा, यानी 65 डाल लीजिएगा। ये 2 से 3 साल के लिए बना है। अगर आप इसको यहाँ पे बनाना चाहते हैं और छोटे साइज में, जैसे 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, तो आप यहाँ पे 50 फंदे डालिएगा, 50 फंदे डाल के और इसको बुनना शुरू कीजिएगा। और प्रोसीजर इसका सेम ही रहेगा। अगर आप इससे बेबी इनर को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बुनना बताएंगे। बहुत ही प्यारा बेबी इनर बन के आया है और थोड़ी सी ही वूल में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। बुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है, लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ जहाँ से मैंने आर्म होल की घटाई की है, यहाँ तक ये हमारा पूरा, देखिए आप, पूरा 11 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच बना है। बॉर्डर से लेके आर्म होल तक 11 इंच बनाएंगे, फिर इसकी आर्म होल की घटाई करेंगे। यहाँ से फिर मैंने ये जो आर्म होल की घटाई की, ये मैंने 2 इंच की है, यहाँ तक 2 इंच की घटाई करके ऊपर फिर मैंने ये यहाँ पे 1.5 इंच का गला बनाया है। फिर ऊपर ये शोल्डर की पट्टी बुन ली है 3 इंच के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये 2 से 3 साल के लिए बनाएंगे तो आप इसको सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा, बहुत ही प्यारा बन के आएगा। और अगर आप इसमें छोटा बनाएंगे 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, तो आप यहाँ पे नीचे 50 फंदे डाल लीजिएगा। और जो ये लेंथ है, यहाँ पे मैंने इसकी 11 इंच बनाई है, आप यहाँ पे 10 इंच बना के और फिर इसकी आर्म होल की घटाई कीजिएगा। और जो मैंने यहाँ पे ये 8-8 फंदे घटाए हैं, ये यहाँ पे सेम ही घटा लीजिएगा। और जो ये 10-12-12 फंदे की बॉर्डर पट्टी साइड में, ये यहाँ पे 10-10 फंदों की कर लीजिएगा, तो इसमें छोटा साइज बन जाएगा। और 2 से 3 साल के लिए तो ये सेम ही बनेगा एकदम। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं ये कैसे बनाया गया है। चलिए तो अब हम बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये यहाँ पे मैंने फंदे डालने शुरू कर दिए हैं। ये डबल धागा किया है, ये ऐसे आगे का डबल धागा करके एक नोट लगाएंगे और एक ऐसे फंदा बना लेंगे। फंदे हम यहाँ पर डिजाइनर डालेंगे। तो ये एक फंदा हमने बना लिया, अब ऐसे डबल करेंगे और सिंगल धागे को ऐसे डाल लेंगे। एक बार नीचे की तरफ उंगली करके घुमाते हुए ऐसे फंदा डाल देंगे, फिर से ऐसे डाल लेंगे, फिर एक बार नीचे की तरफ उंगली करेंगे, एक बार ऊपर की तरफ, ऐसे ये हमारे जोड़े जोड़े के हिसाब से फंदे डलते जाएंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे 60 फंदे डालूंगी, यानी 60 फंदे, 60 फंदे डाल के फिर इसको बुनना शुरू करेंगे। तो ऐसे डिजाइनर फंदे डालेंगे, क्योंकि ये नीचे से थोड़े से लूज होते हैं, बच्चे को चुभेंगे नहीं।
तो एक बार ऐसे नीचे की तरफ उंगली करेंगे और सिंगल धागा निकालेंगे, सिलाई में डालेंगे, एक बार ऐसे घुमाएंगे, तब इस धागे को निकाल लेंगे, फिर से डाल लेंगे ऐसे, फिर से ऐसे करेंगे, सिंगल धागे को डाल लेंगे, फिर से एक बार इस तरफ करेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ पे 60 फंदे डाल लेंगे। ये फंदे मैंने यहाँ पे ऐसे डाल ली हैं। अब इसको बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे 2 इंच की लंबाई का, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे धागा पीछे करेंगे और ऐसे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और पहले हम ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, तो यहाँ से नहीं डाल लेंगे, इसके बैक साइड से सिलाई डाल कर धागे को ऐसे पीछे की तरफ घुमाएंगे, तो हमारा ये डिजाइन वाला बॉर्डर बनता चला जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से इसके बैक लूप में सिलाई डाल लेंगे ऐसे। वैसे हम फंदा बुनते हैं तो आगे की तरफ ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे घुमाएंगे और फंदा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इसके बैक लूप में फंदा बनाएंगे, ऐसे घुमाएंगे पीछे की तरफ और इसको बुन लेंगे। वैसे हमारा ये एक फंदा सीधा एक उल्टे का ही बॉर्डर रहेगा। ऐसे करेंगे, फिर बैक लूप से करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे ही बुनते हुए इस पूरी रो को बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। दोनों तरफ से ऐसे ही बुनते हुए एक फंदा सीधा एक उल्टा, जो यहाँ से उल्टा है वो बैक साइड से फिर से सीधा बन जाएगा। ये हमारी सीधी तरफ से फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे बैक साइड में। तो यहाँ पे ये फंदा सीधी तरफ से सीधा था, तो यहाँ से ये फंदा उल्टा बनेगा, तो इसको ऐसे उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे बैक लूप से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे घुमाएंगे, फिर फंदा बुन देंगे। एक सीधे एक उल्टे का बनाते हुए यहाँ पे हम 2 इंच का बॉर्डर बना लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिंपल बुनाई करेंगे, 11 इंच की लंबाई इसके ऊपर बना लेंगे, ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़े फंदों में इसको आपको बना के दिखाऊंगी, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ऐसे ही बुनते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो ऐसे आप यहाँ पे बॉर्डर बनाइएगा और बॉर्डर बनाने के बाद जैसे हमने ये यहाँ पे ये ऐसे बुनाई की हुई है, ये बॉर्डर जैसे बनाया हुआ है ऐसे आप यहाँ पे बॉर्डर बना लीजिए। मैंने ये यहाँ पे 60 फंदे डाल के और तब ये बुना है, और ऊपर मैंने ये यहाँ से और यहाँ तक 11 इंच की लंबाई मैंने इसकी बनाई है। ऐसे ऐसे ही आप इसको बुनिएगा। ये मैंने आपको थोड़े फंदे में फंदे डाल के और ये बुन के दिखाया है। अब यहाँ पे जैसे हम एक धागा पीछे करेंगे, ऐसे सीधी सिलाई, पूरी सिलाई को हम सीधा बुनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, ऐसे हम
सिंपल बुनाई कर लेंगे, ऐसे बुनेंगे जैसे हमने ये सिंपल पार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है इनर का। ऐसे ये यहाँ से आर्म होल की घटाई स्टार्ट की है और फिर हमने ये गला बुना है और ऊपर ये शोल्डर के फंदे बुन लिए हैं। तो ऐसे ही हम ये दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम इसकी आर्म होल की घटाई करेंगे, तब हमारा ये 11 इंच बुन जाएगा। तो यहाँ से घटाई करेंगे, तो ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से वापस इसी सिलाई पे लेंगे और दो का एक करेंगे, दो फंदे कम हो गए, फिर से दो का एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये तीन फंदे कम हो गए। अब इसको सीधा बुनते जाएंगे लास्ट तक। लास्ट में फिर से इस सिलाई को यहां तक पूरा बुन लेंगे। ये लास्ट का फंदा भी सीधा ही बुनेंगे। तो हमारी ये सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो बैक साइड में फिर यहां से फिर हम तीन फंदे फिर घटाएंगे, तो यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर फंदे को इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये तीन फंदे से हमने घटाई शुरू की। अब इस पूरी रो को उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक बुन लेंगे। ये हमारी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये आर्म होल की घटाई कर दी। दोनों तरफ से तीन तीन फंदे, ऐसे तीन तीन फंदों की घटाई की है। अब हम इसका ये पार्ट बनाएंगे जो हमने ये गले में यहाँ पे घटाई के बाद में आगे ये बीच में से दोनों तरफ से जो घटाई की हुई है, ये यहाँ से ये घटाई, तीन तीन फंदे हमने यहाँ, तीन यहाँ से घटाए और तीन यहाँ से, 60 फंदे हमारे टोटल थे। तो हमारे यहाँ पे 6 फंदे कम हो गए, तो हमारे यहाँ पे 54 फंदे यानी 54 फंदे रह गए। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ से घटाते जाएंगे और यहाँ से एक एक फंदा घटाएंगे। दोनों तरफ हम ये 12-12 फंदे उल्टे रखेंगे और यहाँ पे एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये 8 फंदे घटाने हैं, 8 यहाँ पे घटाने हैं। ऐसे बुनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 सिलाइयां बनाएंगे हम यहाँ पे फंदे घटाते हुए। तो अब यहाँ पे हम इस फंदे को सीधा ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब जो ये फंदा है इसको लेंगे ऐसे और इसको पलट लेंगे और फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे। ये एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, इसको पलटेंगे तो तब हमारी ये घटाई की चैन बनती हुई आएगी और फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब धागा अब पीछे ही रखेंगे और इसको पूरी को सीधा बुनते हुए जाएंगे। यहाँ तक बुनेंगे, लास्ट के 12 फंदे उल्टे बनाएंगे, दो का एक करेंगे। यहाँ तक हम इसको बुन लेंगे। अब यहाँ तक हमने बुन लिया। अब आगे हमारे पास ये 14 फंदे हैं यानी 14 फंदे, तो 12 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और इन दो फंदों का एक करेंगे। तो इसको पलटेंगे नहीं, यहाँ से ही इसको बुन लेंगे सीधा फंदा। इसकी ऐसे ही चैन बन जाएगी हमारी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 12 फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। ऐसे इसको उल्टा बुनेंगे। इस लास्ट के फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। अब आएंगे बैक साइड में।
तो देखिए बैक साइड में आएंगे, जब हम इस फंदे को ऐसे ही सीधा बगैर बुना उतार लेंगे तो हमारी यहाँ पे चैन बन जाएगी। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बना देंगे। इस बैक साइड में हमें कोई भी गटाई नहीं करनी है, इसको ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। इस पूरी रो को बुन लेंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से फंदा गटाएंगे। ये लास्ट का फंदा भी उल्टा ही बुन लेंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये दो सिलाइयाँ बनाई हैं, ऐसे ही आप, जैसे ये एक धारी बनी है, ऐसे ही सात धारियाँ और बन जाएंगी, तो हमारे सात फंदे कम हो जाएंगे। अब एक बार आपको फिर बुन के दिखाएंगे। ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को सीधा इसलिए उतारेंगे बगैर बुना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके मुड्ढे वगैरह नहीं बनाने, ऐसे ही बॉर्डर बनता जाएगा तो हमारी ये साइड में चैन बनती आ जाएगी। तो ये 12 फंदे ऐसे बुन लेंगे उल्टे उल्टे। ये 12 फंदे बुन लिए। अब ये फंदा है जो इसको लेंगे और ऐसे पलटेंगे। पलटने से यहाँ पे दो का एक करेंगे, तो धागे को पीछे करेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे। अब हमारे दो फंदे कम हो गए, दो ही धारियां बन गई। तो हम ऐसे ही 8 फंदे इस साइड से घटाएंगे और 8 फंदे यहां से घटाएंगे दो का एक करते हुए। तो हमारे 16 फंदे ये अंदर की तरफ से घट जाएंगे और तीन तीन फंदे हमारे आरमोल के कम हो गए। तो इसकी हम ये 8 धारियां बनाएंगे, तब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पे 3 प्लाई की वूल में बनाया है और 9 नंबर की सिलाई ली है। अब हम इसको 8 धारियां बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों तरफ से घटाई कंप्लीट हो चुकी है। ये तीन फंदे यहाँ से घटाए, तीन दूसरी साइड से घटाए, तो आरम होल की घटाई बन गई। फिर 12 फंदे उल्टे बनाए और यहाँ से दो का एक करते हुए सीधी तरफ से 8 फंदे घटाए। 8 फंदे ये यहाँ से घटाए, तो बीच में हमारे यहाँ से 16 फंदे घटा दिए हमने। बीच में 14 फंदे बचे हैं हमारे, ये 12-12 की ये बॉर्डर पट्टी है। अब हम इसको आगे, जैसे हमने ये यहाँ पे गला बुना है, ये गला बुना है जो, अब हम इस गले की बुनाई करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 धारियां ऐसे ही बनाएंगे, यानी 10 रोज बनाएंगे। अब हम नीचे हमने यहाँ से बॉर्डर से लेके और घटाई तक 68 रोज बुनी थी, तब हमने इसकी आर्म होल की घटाई की थी। फिर हमने दो सिलाइयों में ये घटाई हो गई हमारी, सीधी तरफ से उल्टी सिंपल बुनी, तो हमारी 70 रोज बन गई। फिर ऊपर हमने ये 16 सिलाइयां यानी 16 रोज फिर बुने। अब हम ऊपर यहाँ पे 10 रोज फिर से बुनेंगे। तो इस फंदे को ऐसे ही लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी घटाई नहीं करेंगे फंदे की, ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसके गले की 10 रोज बुन लेंगे, कोई घटाई नहीं करेंगे। अब जो ये फंदे आगे हमारे सीधे हैं, इन फंदों को भी हम उल्टा ही बुनते जाएंगे। ऐसे इन फंदों को भी ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना के और 10 रोज पूरे करेंगे, ऐसे बुनते जाएंगे। जो बीच में सीधे फंदे हैं इनको भी उल्टा बुनेंगे और बैक साइड से भी पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए यहाँ पे 10 रोज का, जैसे हमने, जैसे ये 10 धारियां बनाई हैं 8, ऐसे ही यहाँ पे 5 धारियां बुन लेंगे तो हमारी 10 रोज बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, गले के बॉर्डर की ये बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 5 धारियां बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी यहाँ पे 10 रोज बुन के कंप्लीट की है। अब हम दोनों तरफ से यहाँ पे शोल्डर के फंदे रखेंगे और बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टोटल फंदे डाले हमने 60 फंदे थे,
तो तीन फंदे हमने यहाँ पे घटाए, तीन यहाँ पे घटाए, छह फंदे कम हुए, फिर आठ यहाँ पे घटाए, आठ यहाँ पे घटाए, सोलह ये और छह ये, 22 फंदे हमारे कम हो गए। तो 12 फंदे हम यहाँ पे शोल्डर के रखेंगे और 12 यहाँ पे रखेंगे, बीच के 14 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे गला बुन के कंप्लीट हो जाएगा। इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे सीधा, तो ऐसे हमारी ये चैन बन के आ जाएगी। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, दोनों तरफ से जब सिलाई बुननी शुरू करेंगे तो इसको हम सीधा ऐसे ही उतारेंगे। फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब जो आगे के फंदे हैं, ये बीच में 14 फंदे जो बीच में यहाँ पे ये सीधे थे, दोनों तरफ उल्टे थे, जो बीच के 14 फंदे हैं उनको हम यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे, लास्ट में यहाँ पे 12 फंदे रख लेंगे। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, इस फंदे को वापिस लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से लेंगे और इसका 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। इसको नहीं ज्यादा टाइट करेंगे और नहीं ज्यादा लूज करेंगे, ऐसे इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे 14 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 फंदा ये 12। अब आगे के फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमारे ये शोल्डर के फंदे बच गए 12 12, बीच के फंदे बाइंड ऑफ किए। तो अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे जो ये यहाँ पे हैं, पहले इन फंदों की शोल्डर पट्टी बुनेंगे फिर इनकी बुनेंगे। तो अब यहाँ पे भी फिर से ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको उल्टा बुन लेंगे। इस शोल्डर के फंदों की जो पट्टी है वो हमारी 20 रोज में बनेगी, 10 धारियां बन के आ जाएंगी, 10 धारियां बनाएंगे, 20 सिलाइयों में हमारी 10 धारियां बन के आ जाएंगी। अब फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, तो इसी पट्टी को हम बुन लेंगे जैसे हमने ये इसमें बुनी हुई है, पहले एक पट्टी बुनेंगे फिर दूसरी को बुनेंगे। तो ये इस एक पट्टी को बुन लेते हैं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये शोल्डर की पट्टी बन के कम्प्लीट हुई, ये हमारी यहाँ पे 10 धारियाँ बन के आई हैं, 20 रोज मैंने बुन लिया है। और ये यहाँ पे इस धागे को अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे ये दूसरी पट्टी, तो यहाँ से हम लेंगे ऐसे और इस यहाँ से फंदा धागा ज्वाइंट करेंगे, ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसको उल्टा बुनेंगे, इस धागे को इसके अंदर ही ले लेंगे ताकि ये निकलेगा नहीं। ऐसे बुनते जाएंगे, इस धागे को दबाते जाएंगे, ये इसके अंदर ही ऐसे बुनाई में आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि आपने धागा यहाँ कहाँ से ज्वाइंट किया है। इसको ऐसे ही बुनेंगे, तो ये 12 फंदे ये हैं, इनकी भी ऐसे ही ये शोल्डर की पट्टी बुन लेंगे।
जितनी ये बनी है इतनी ही हम इसको बुनेंगे, इसको बुन लेंगे। इसकी भी ऐसे ही हम अब 10 धारियां बना लेंगे, ऐसे 10 धारियां बुन के इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये शोल्डर की पट्टी बन के कम्प्लीट हुई, दोनों तरफ से 10-10 धारियां बना ली हैं, यानी 20 रोज बुन ली हैं। अब ये पल्ला हमारा सीधा है और ये हमारा ऐसे उल्टा करेंगे इसके ऊपर ऐसे। अगर आप इसको यहाँ ही फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो आपको ये सिला सुई से सिलना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पे सिलाई से ही बंद करेंगे। तो ये पट्टी लेंगे यहाँ से और ये लेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, इनका दो का एक करेंगे, इस पे डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को इसी पे डाल लेंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे और इस नीडल पे डाल लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे ऐसे। फिर से इस पे डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से इस पे डाल लेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे। फिर से इसके ऊपर डाल लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इस रो पे डाल लेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे। फिर से इस सिलाई पे डाल लेंगे और दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, एक बार एक नीडल पे डाल के दो का एक कर देंगे, एक बार दूसरी पर डाल के ऐसे दो का एक करेंगे। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे बाइंड ऑफ हो चुका है। अब हम इस दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे। अब एक फंदा इसमें से लेंगे और एक दूसरे नीडल में से ऐसे लेंगे और ऐसे दो का एक करेंगे ऐसे उतारेंगे। फिर इस फंदे को इस नीडल पे डाल लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर इस नीडल पे डाल लेंगे और फिर से दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को इस नीडल पे डाल लेंगे और दो का एक करेंगे। इसको नहीं ज़्यादा टाइट बाइंड ऑफ करेंगे और नहीं ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल करते हुए इन सभी फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे। अब हमारी ये सभी फंदे ऐसे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब जो ये धागे हैं जो, इनको अंदर की तरफ ऐसे डाल देंगे क्रोशिया की हेल्प से। ऐसे क्रोशिया लेंगे और यहाँ से इसको डालते हुए अंदर की तरफ यहाँ से डाल लेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ निकाल लेंगे यहाँ से डालते जाएंगे ऐसे। इसको ऐसे अंदर डालने से निकलेगा नहीं, ऐसे इसको अंदर की तरफ सभी धागे हैं जो ये ऐसे इनको अंदर की तरफ ही डालते चले जाएंगे। इसको ऐसे लेंगे और इस धागे को ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे निकाल देंगे। अब हमारा ये गला बन के शोल्डर बन के कम्प्लीट हुआ। अब हमारी रह गई इसकी सिलाई, तो सिलाई हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और दोनों तरफ से यहाँ से पकड़ेंगे इसको और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे, जहाँ से हमने आर्म होल के घटाई की थी यहाँ तक
यहाँ से इसकी घटाई करते हो, सिलाई करते हुए दोनों तरफ से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे करेंगे। एक बार इसका यहाँ से इस चैन में से सुई को डाल लेंगे, एक बार दूसरी चैन में से डाल लेंगे, ऐसे सिल लेंगे। फिर इस चैन में से डाल लेंगे, फिर इस दूसरी चैन में से डाल लेंगे, फिर इस साइड से डाल लेंगे। ऐसे डालते हुए इसको पूरी को यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये आर्म होल की कटाई की है, ऐसे करते हुए इसको दोनों साइड से हम सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये बेबी इनर बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा ऐसे हमारा ये बेबी इनर बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बेबी इनर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।